मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन की पहल बिहार में इतनी अच्छी है कि लोग अपने जिंदगी को बचाने के लिए वृंदावन चले जा रहे हैं, लेकिन जब हक मांगने की बात आती है तो वो लोग वापस लौटते हैं पटना और चीख चीख कर गवाही देते हैं नकली शराबबंदी की। बात की जाए तो अमित कुमार उर्फ महात्मा जी आज अपने पूरे परिवार के साथ जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय के बाहर पहुंच गए और अपने ऊपर पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह करने की कोशिश की। बात की जाए तो साफ तौर पर बिहार के प्रशासन और लॉ एंड ऑर्डर पर बड़ा सवाल खड़ा किया है अमित कुमार ने। बता दें आपको कि अमित कुमार का साफ तौर पर कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कथन अनुसार उन्होंने शराब माफियाओं की पोल खोली, लेकिन आज उनके जान पर आ बनी है। बात की जाए तो अमित कुमार ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर दफ़े कहते थे कि अगर बिहार की जनता शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए सरकार की मदद करती है तो ये कानून निश्चित तौर पर सफल बनेगा, और यही कारण है कि पटना के दनियावा के रहने वाले अमित कुमार उर्फ महात्मा जी जब अपने परिवार के साथ जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय के बाहर पहुंचे तो उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की और बताया कि किस तरीके से इस कथाकथित सुशासन की सरकार में हमें बार बार टॉर्चर पुलिस द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के आवास के बाहर भी उन्होंने आत्मदाह करने का प्रयास किया और न्याय मांग रहे थे, लेकिन अब उनकी कोई नहीं सुनता। पुलिस प्रशासन के पास जाते हैं तो दरोगा उनकी पिटाई कर देता है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पटना SSP तक उनकी बात को नहीं सुनते और आज वो जब आत्मदाह करने पहुंचे हैं तो उन्हें जनता दल यूनाइटेड के लोगों द्वारा रोका जा रहा है। बात की जाए तो जो परेशानियां इस वक्त अमित कुमार झेल रहे हैं वो दर्शाता है कि नीतीश कुमार जिस तरीके से शराबबंदी को लेकर बार बार बड़े बड़े योजनाएँ बनाते हैं और इसको किस तरीके से सफल बनाया जाए इसको लेकर आला अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं। कई दफ़े खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि अगर शराब माफियाओं को पकड़ने में आम जनता मदद करती है तो उनके नाम को गुप्त रखा जाएगा और साथ ही साथ उन्हें सुरक्षा भी दी जाएगी, लेकिन अमित कुमार ने साफ तौर पर कहा कि जब उन्होंने शराब माफियाओं के खिलाफ आवाज़ उठाया तो उनको संरक्षण नहीं मिला और अंततः उन्हें गाँव छोड़कर भागना पड़ा। वृंदावन से लौटकर आज जब पटना पहुंचे हैं अमित कुमार तो किस तरीके से अपने पीड़ा को बता रहे हैं आप सुनिए। अब बोला कि बाबा आपको हम सुरक्षा देंगे, लेकिन सुरक्षा क्या था, पिछला बार भी मारा था, पत्नी बच्चा लेकर वृंदावन चले गए, आज भी रहे हैं तो फिर आज रहते मारा पर धारा में गया धारा में बताए कहाँ जाएंगे बाबू कहाँ से पाए अब दनियामा से आए देखे सब लिखा हुआ है मुद्दा हमको सुना पड़ा वीडियो इसमें देखो ये साहब नहीं तो आप ना क्या कर रहे हो आप किसी मिलिए कोई अधिकारी से कोई नहीं सुना हम ये कप्तान से मिले बताइए कप्तान कह रहा है कि तुम ही आ रहे हो तुम नीतीश कुमार जी की सुरक्षा दे रहे हैं कहाँ सुरक्षा दे रहे हैं पिछला बार डर से वृंदावन भागा बड़ा भीड़ हुआ है फर्ज बिहार न्यूज दिखा रहा है लेकिन कहूँ नहीं सुनता भैया है ये बिहार का अरे घर का मुद्दा है अब लोग देख सकते हैं अच्छा बात देखिए देखिए जैसा हम ठीक है मतलब देखिए ये बोल रही देखिए पिछला साल के न्यूज देखिए बैठे देखिए साहब देखिए पिछला साल के पत्नी पत्ता के साथ ताते हुए किए थे देखिए देखिए आप लोग देखिए अब कि थोड़े ना बाबू अब नहीं भोजन करेंगे थोड़ा बताइए देखिए जरूर मिलेगा हमको इंसाफ हमको अरे साहब हमको जरूर मिलेगा इंसाफ मिलेगा हमको नीतीश जी का होता है हमको बने मुख्यमंत्री नीतीश जी का होता है हम कुछ नहीं करेंगे बैठिए साथ बैठिए
हम बोलेंगे देखिए सर पिछला साल क्या है। मेरा नाम अमित कुमार महात्मा जी है। कहाँ से हो? हम ग्राम प्रस्थ पोस्ट सलालपुर थाना धन्यवाद के रहने वाले हैं। अच्छा, ये हालत में यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आत्महत्या किए हैं। काहे के लिए आत्महत्या? इसलिए किए कि हम थाना में गए, थाना में मारा, बड़ी पुलिस अधीक्षक मिले मारा है थाना में, दरोगा मिला। काहे के लिए? कहा कि तुमसे शराबबंदी नहीं होगा। जागरूक किए थे, ग्राम सभा की बैठक भी किए थे, सारा चीज लिखा हुआ। 4 तारीख को बैठक निकाले थे। कहाँ मिल रहा है दारू अभी? दारू मिला वाला गांव में रोहतम वाला है। दारू पर रेड मरवा के पकड़वाया, रेड मार के पकड़ाया। अब बोला नीतीश जी बोल रहे हैं कि आपको सुरक्षा मिला। कहाँ सुरक्षा मिला? पिछला साल भी डर डर से देखिए। तो ये आत्महत्या का क्या होगा फिर? कोई मतलब नहीं है, हम घर जाएंगे बस, चले घर। क्या होगा बच्चा का? हम क्या करें? अरे इसको भी चला रहा था, तीनों मिलकर चल रहे थे। बताइए, अगर तू ऐसे कर तो तुझे क्लियर की कहो तो एंजॉय सुने गए मिले इंसान में चलो घर चलो घर चलो नीतीश जी सब भरोसा है इंसान। रुको रुको,